चक दे टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं सिमी धालीवाल लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई देश विदेश दीआं खबरां। आओ नज़र मारदे हां अज दीआं सुरखियां वल। केजरीवाल की माफ़ी ते रुस्से भगवंत मान नूं मनाउण दी तैयारी। मान कहा पुछांगा केजरीवाल तो क्यों मंगी सी माफ़ी। नशे के मुद्दे ते सुनील जाखड़ का बड़ा बयान। नशे के बड़े सौदागरां नूं बचा रही केंद्र सरकार। टकसाली आगुआं वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस कर अकाली अते कांग्रेस की मिलीभुगत दे सबूत मीडिया राही कीते गए पेश। बेअदबी मामले च शामिल पुलिस अधिकारियों की हुण खैर नहीं। कैप्टन ने कहा मिलेगा इंसाफ जांच सही। नवजोत सिंह सिद्धू ने दरिया दिली दिखाते हुए अमृतसर रेल हादसे के पीड़ितों को दी वड्डी राहत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केजरीवाल वालों नशे के मुद्दे से अकाली दल के सीनियर नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया तो माफ़ी मंगे जाने के बाद भगवंत मान ने अपनी प्रधानगी के अहदे तो अस्तीफा दे दिता से, जिसनों लैके आम आदमी पार्टी की कौ कमेटी की मीटिंग आप के अहदेदारा ने पार्टी हाईकमांड में यह गुजारिश की कि भगवंत मान वालों दिता गया अस्तीफा स्वीकार न किया जाए। आम आदमी पार्टी पिछले लंबे समय तो बिना प्रधान के पंजाब विच कम कर रही सी। केजरीवाल वालों नशे के मुद्दे ते अकाली दल के सीनियर नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया तो माफ़ी मंगे जाने तो बाद भगवंत मान ने अपनी प्रधानगी दे अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। पर अज हुई आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग च आम आदमी पार्टी के अहुदेदारा ने पार्टी हाईकमान नूं एक गुजारिश की है कि भगवंत मान वालों दिता गया अस्तीफा स्वीकार ना किया जाए। पार्टी की प्रधानगी क्योंकि बड़ा लंबा समा हो गया मान साहब अस्तीफा दित्या नूं, अज असी साडी कोर कमेटी ने डिसाइड किया गया जिहड़ी पी ए सी उह लिख के भेजा गया भी जिहड़ा मान साहब का अस्तीफा है वह ना मंजूर किया जाए और मान साहब जिहड़ा हैगा प्रधान लाया जाए। उस तरह कैरी ऑन किया जाए पहला सीगा और मान साहब ने भी रिक्वेस्ट की है कि तुसीं अपनी पंजाब की प्रधानगी संभालो। सो इन्होंने कहा भी मैं आने वाले समय के जिवें पी ए सी कहूगी जां विचार करके दसांगे। मीडिया नाल गलबात दौरान भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल नूं माफ़ी बारे पुछण मैं दिल्ली जा रहा हाँ अते केजरीवाल वालों दिता गया जवाब जब मैं मुड़ मीडिया सामने आवांगा तां दसांगा, फिर ये फैसला लवांगा कि प्रधानगी मंजूर है या नहीं। देखो अज कोर कमेटी के फैसला होया, इन्होंने सारे ने सर्वसम्मति पी ए सी नूं लिखिया कि मेरा जिहड़ा अस्तीफा है वह ना मंजूर किया जाए। मैं दिल्ली जा रहा तो मैं डिस्कस करूँगा उन्होंने तो उस तो बाद फिर मैं ये बारे भी फैसला मैं करूँगा कि पार्टी दियाँ की जरूरत ने तो जी मेरी एक दो सवाल ने मैं वो भी क्लीयर करनी चाहूँगा। तो मैं हूँ अगले दो दिन दिल्ली होऊंगा मैं तो मैं दिल्ली उन्होंने मिल के डिस्कस करके सारा नहीं भाव तो थोड़ा ये इतने रहना चाहिए ना कि तुम अस्तीफा दिता सी कि केजरीवाल ने माफ़ी क्यों दी तो माफ़ी तो फिर तुम या तो फिर गल फिर क्यों ही पूछ चलें ना जी क्यों ही पूछ चलें कि क्यों दी तो मैं जो मैं दस देंगे उ गल मैं सारी मीडिया सामने आके दस दूँगा। पर हाँ भगवंत मान ये भी कहते नज़र आए कि पार्टी ने सर्वसम्मति फैसला लिया है सो मैं विचार जरूर करांगा। स्पैशली डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि पहले तो रिजाइन ही दिता हुआ डिस्कस करने की लड़ सी हूँ जे वो रिजाइन वापस लैन दल्ला कोर कमेटी ने सर्वसम्मति ने की तो फिर मैं इसे डिस्कस करके फिर फैसला। हालांकि अस्तीफा देने तो कई महीने बाद कोर कमेटी की सर्वसम्मति सामने आई है जिस तो बाद आम आदमी पार्टी वाल डबल स्टैंड दी राजनीति कीते जान दी पोल खुलदी साफ नजर आ रही है। नशे दे मामले ते सुनवाई दौरान हाई कोर्ट च वड्डे सौदागर ते कारवाई लई मंग कीती गई जिसनूं लैके कांग्रेस प्रदेश सुनील जाखड़ ने अपना प्रतिक्रम दिंदे होए केंद्र दी सरकार ते आरोप लगाए कि जिन्हां कोल ईडी जिन्हां दे हत्थां विच है उन्हां नूं ही चाहीदा है कि नशे दीआं केसां ते सही ढंग नाल पेरवाई कीती जावे अते नशे दे वड्डे सौदागरां ते कारवाई कीती जावे।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਈਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਸੇ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਫੋਲ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਰੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ।
मीडिया वालों सवाल किया गया कि मजीठिया ने कहा कि छेती ही ब्रह्मपुरा की पोल खोलांगे तो टकसाली आगुआ ने शरेआम धमकी दे दी कहा कि अगर मजीठिया प्यो का पुत है तो आवे मैदान च करे खुलासे। नाल ही टकसाली आगू ने सुखबीर बादल नूं भी जम के कोसिया। कोटकपुरा ते बैबल कलां गोलीकांड विच मुलजम घोषित होए पुलिस अधिकारियों ने रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट खिलाफ पटिशनां पाईआं सी जिन्हां नूं पंजाब हरियाणा उच्च अदालत वल्लों रद्द करदिआं अक्तूबर 2015 नूं वापरी घटना की जांच पंजाब पुलिस की SIT वल्लों कीते जाण नूं जायज़ ठहराया। उच्च अदालत के इस फैसले ते पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपना प्रतिक्रम दिता। बेअदबी मामलों ते जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट आने तो बाद कोटकपुरा ते बहबल कला गोलीकांड विच मुलजम घोषित हुए पुलिस अधिकारियों ने रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट खिलाफ पटिशनां पाईआं सी जिस नूं लैके पंजाब हरियाणा उच्च अदालत वल्लों वड्डा फैसला आया जिस विच जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट खिलाफ पाईआं सारियां पटिशनां रद्द करदिआं अक्तूबर 2015 नूं वापरी घटना की जांच पंजाब पुलिस की SIT वल्लों कीते जाण नूं जायज़ ठहराया। इस दे नाल ही हाईकोर्ट ने गोलीकांड के मुलजम पुलिस मुलाजमां तो SIT वल्लों पुछगिछ ते लगी रोक भी हटा दी। यह पटिशना SSP चरणजीत शर्मा वालों पाईया गई सी। सारिया पटिशना नूं रद्द करते हुए SSP चरणजीत शर्मा ते होर पुलिस कर्मियों ते तफ्तीश लई लाई स्टे भी हटा दी गई। हुण SIT बेअदबी दे नाल नाल गोलीकांड ते मुलजम पुलिस मुलाजमां तो भी पुछगिछ कर सकती है। पटिशन च शर्मा वालों CBI जांच की मांग की गई सी। इस दे नाल ही जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट नूं भी खारज करन की मांग की गई सी। दूजे पासे पंजाब हरियाणा उच्च अदालत वालों आए इस फैसले ते पंजाब दे मुख्यमंत्री ने भी अपना प्रतिक्रम दिता। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ SIT ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਔਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ SIT ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਲੀ ਦਿਖੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਦੇ 270 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 38 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 38 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉਹ ਜੀ ਇਦਾਂ 270 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 270 ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੇ 550 ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊ।
बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी की सियासत आने पर बड़ा ही भद्दा जिहा बयान करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के सोहने चेहरे नाल कांग्रेस लोगों तो वोट नहीं लै सकती। जेकर कांग्रेस सरकार सोचती है कि प्रियंका गांधी बहुत सोहनी है तो इसलिए जे वह सियासत आ गई तो वह सारी सीटा जित जाएगी तो यह गलत फहमी है। कांग्रेस पार्टी वालों प्रियंका गांधी के राजनीति में कदम रखते ही सियासत जिमें भूचाल ही आ गया होवे। इस भूचाल च पता नहीं किन्या कोनू किन्ने झटके लगे ते इसका असर साफ दिखाई दे रहा है, जिस करके बीजेपी वालों लगातार प्रियंका गांधी ते राहुल गांधी ते बयानबाजी की जा रही है, जिसके चलते बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी की सियासत आने पर बड़ा ही भद्दा जिहा बयान देंदे हुए कहा कि प्रियंका गांधी के सोहने चेहरे नाल कांग्रेस लोगों तो वोट नहीं लै सकती। जेकर कांग्रेस सरकार सोचती है कि प्रियंका गांधी बहुत सोहनी है तो इसलिए जे वह सियासत च आ गई तो वह सारिया सीटा जित जाएगी तो यह गलत है। प्रियंका गांधी च सुंदर होने तो सिवाए मैनू होर कोई गुण दिखाई नहीं दिंदा, ना ही राजनीति च कोई तजर्बा दिखाई दिंदा है, यह कहना है विनोद झा दा। कांग्रेस भारी गलत फहमी में जी रही है, सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ना ही राजनीति में उनका कोई अनुभव दिख रहा है, ना ही अभी वो जिस उम्र में हैं 37-38 ज़्यादा ही उम्र में है, मुझे लगता है 44 की उम्र में हैं वो, और इस उम्र में तक उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि मेरे सामने नहीं है। हाँ, सुंदरता है, भगवान ने उनको दी है, इस उपलब्धि को कितना भजाया जा सकता है। हुण एक विधायक वालों इस तरह की बयानबाजी करना कितों तक ठीक है, यह तो नीतीश सरकार तो सवाल करना बनता है, तो इसते वह की एक्शन लेंदे ने, जा फिर उन्हां दी भी सोच उही है जो इन्हां दे विधायक दी है, यह तो उन्हां वालों कोई एक्शन लैन ते ही पता चलेगा, क्योंकि यह एक शर्मनाक बयान है जिस नाल औरत दी बेइज्जती की गई है। दूजे पासे प्रियंका गांधी ते की गई विनोद झा वालों टिप्पणी ते पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बेवकूफ लोग बेवकूफ गल्लां ही कर सकते ने। सुखविंदर सिंह मिठू नू अपनी प्रेमिका जसविंदर कौर जस्सी दी कातिल मां अते मामा नू कैनेडा पुलिस ने दोनों आरोपियों नू पंजाब पुलिस दे हवाले कर दिता, जिस तो बाद मिठू ने कहा कि हुण शायद उसनू इंसाफ मिल जाएगा। इस मामले च अज संगरूर पुलिस वालों मलेरकोटला अदालत विच पेश किया गया, जिथे जस्सी दे मामा अते मां नू 4 दिन की पुलिस हिरासत विच भेज दिता गया। बड़े लंबे समय तो अपनी प्रेम कहानी लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे सुखजिंदर सिंह मिठ नू अपनी प्रेमिका जसविंदर कौर जस्सी दे कतल दे मामले विच मां ते मामा नू कैनेडा पुलिस ने हुण जाके दोनों आरोपियों नू पंजाब पुलिस दे हवाले कर दिता। मिठू ने कहा कि हुण शायद इस नू इंसाफ मिल जाएगा। इस मौके मिठू ने उस वेले की होया सी इह भी दस्या कि किवें उन्हां ने जस्सी नू मौत दे घाट उतारिया सी। मैं मलेरकोटला तो आ रहा सी, पिंड नारिकिया नू जा रहा सी, बाइक ते सी, रास्ते दे विच गुंडे अंसर खड़े हुए सी, इन्होंने रास्ते जो मेरे स्कूटर के मगर जस्सी बैठी हुई थी, मतलब सामने आके मेरे ते इन्होंने अटैक ही करता, वो हाकी ते कृपान जस्सी दे लग गई, वो डिग पी और मैं उतर के जो उन्होंने चुकया पूछा भी जस्सी ठीक है, उदों उस टाइम च मेरे वो बंदे मगर कृपाना हौकियां मारन लग गई, और बाद च अफसरां नूं पता लग्या जी भी मैनू खत्म करके गए सी, आप जानी पूरी तसली करके तुरे आ भी मिठू मर गया। जस्सी नूं मारन की नहीं वजह सी कोई इन्हां कोले, जस्सी नूं मारन की वजह तो जिवें अफसरां ने मैनूं बाद च दस्सिया भी एक वो सिर्फ डरदिया ने वो मारती, भी उहदे मामे नाल गल चलदी सी इधर, वो गुंडिया जिहड़े बंदे सी सट्टां मार के गए मेरे, भी कहिंदे रहे जी मिठू मारता भी कुड़ी नूं कित्थे पहुंच। इस दे नाल ही मिठू ने पुलिस प्रशासन अते कई मंत्रियों बारे भी खुलासे किए। मिठू ने कहा कि चौंकी इंचार्ज मैनूं बुला के कहिंदे सी कि मिठू राजीनामा कर ला, जदों मैं मना करदा तां मैनूं कहिंदे कि मिठू तेरे ते परचा करना पैणा है, साडी मजबूरी है, अते कई मंत्रियों ने भी कहा राजीनामे लई, अते कई MLA ने भी कहा समझौता कर ला, पर मैं नहीं मन्निया। इन्हां नूं इंडिया भेजा जा रहा, उसे टाइम मैनूं कौंके चौंकी दे विच इंचार्ज कोई लग्गिया हुंदा जी, जां सदर थाने दे विच SHO कोई हुंदा जी, मैनूं फोन करके सदी मिठू कोई केस के संबंध में गल करनी आ साडे कोल, जदों मैं जांदा सी बैठ के गल सुणदा सीगा, वो इक्को गल इह कहिंदे जी मिठू उन्हां नाल कंपरो कर लो, जदों मैं कंपरो तों मना करदा सीगा फिर कहिंदे जी मिठू तेरे ते यार परचा देना पैणा भी साडी मजबूरी है, इह मेरे ते परचा दे दिंदे सीगे। फिर कई अफसरां ने मैनूं राजीनामे नूं भी जोर पाया, कई मंत्री भी विच पए आ, MLA विच पए आ, मिठू कंपरो कर लो,
पर उन्होंने कोई धक्का नहीं किया अफसर ने जा MLA साहब ने सिर्फ वो कहते भी वो बंदे कह रहे सन नहीं प्रेसर भी कोई एडा नहीं बस जिमें कि आप किसी कह दिए यार जो कोई सुडी मानता तो मना लो पर इन पर मैं कहता नहीं चलो कहते चलो ठीक है मिठू। इस मौके मिठू ने कैनेडा सरकार का धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरी सुनवाई की। इस दे नाल ही मिठू ने अपना डर भी जाहिर किया कि उन्होंने ते उसके परिवार को खतरा भी है। उन्होंने कानून तो मांग की कि उन्होंने केस भी कोई छत्रपति हत्याकांड विच सजा सुनाने वाले जज वर्गे जज कोल ही चले इन्हों भी उम्र कैद हो। कैनेडा इतने आ गए जेल क्रिमिनल बंदे बहुत ज्यादा होंगे पता नहीं कि बंदे लिंक पाएंगे मेरा नुकसान कदे भी करा सकते मेरा और मेरे परिवार का मेरे फ्रेंडा का कदे भी कुछ भी हो सकता गा। बाकी कुछ बंदे जिहड़े जेल चों बाहर आए हुए आ मेरे जस्सी दे केस दे विच सजा होगी भुगत के बाहर नहीं फिरदे उन्हां तों भी हर टाइम डर रहिंदा भी हुण इह मिलण मिलाप रखणगे उन्हां नाल जाण आउणगे इत्थे आ गए कनेडा च तां मिलणा करना इन्हां नूं औखा सी क्योंकि जेल च बैठे सीगे। कनेडा भी गौरमेंट दा मैं धन्नवादी हाँ बहुत ज़्यादा पुलिस का भी धन्नवादी हाँ भी उन्होंने मेरे वाले केस की पैरवाई की और इन्हां नूं पंजाब दे हवाले पंजाब पुलिस दे हवाले करता हुण उम्मीद करता बस जज साहब ते जिवें कि CBI दी कोर्ट ने एक फैसला दिता सरस वाले बाबे का छत्रपति केस के बड़ा वधिया फैसला लग्या। मैं भी ये चाहना मेरा किसी काबल जज साहब दे केस चले और पुलिस महकमा मिल के पूरा इंसाफ मिल सके भी पूरा इंसाफ मिल सके घट्ट तो घट्ट सज़ा इन्हों हो जिन्ना तक इन्हों के सवास चलते हैं उन्ना टाइम ये बंदे जेल च रहन ना कोई परोल होवे ना कोई छुट्टी हो यह जज साहब इन्हों फैसला देन क्योंकि गांह तो कोई एड्डा क्राइम ना करे दुनिया से किसी का प्यार ना हो। जिस तो बाद जस्सी सिद्धू के कतल के आरोपियों को अज संगरूर पुलिस वालों मलेरकोटला अदालत में पेश किया गया जिथे जस्सी के मां और मामे को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लुधियाना के गुरु अर्जन देव नगर च एक 34 साल नौजवान वालों पखे नाल लटके आत्महत्या कर ली गई। मौके तो मिली जानकारी अनुसार 34 साल नौजवान हरविंदर सिंह ने आत्महत्या करन तो पहला मोबाइल फोन से वीडियो बनाए जिस विच ओह कुछ फाइनेंसर के नाम लैके उन्हां ते आत्महत्या करन लई मजबूर करन दे दोष लगा गया। जदों इंसान सुभाविक मौत मरदा है तां उस नूं परमात्मा दी मर्जी मन के दिल नूं समझा लिया जांदा है पर जदों मौत किसी दी वजह करके होवे जां मरन लई मजबूर कीता जावे तां उस मौत नूं कदे नहीं भुलाया जा सकदा। जी हां कुछ इसे तरह दा मामला सामने आया है लुधियाने दे गुरु अर्जन देव नगर तो जिथे एक 34 साला नौजवान ने पखे नाल लटके आत्महत्या कर ली। मौके तो मिली जानकारी अनुसार 34 साला नौजवान हरविंदर सिंह ने आत्महत्या करन तो पहला मोबाइल फोन ते वीडियो बनाई जिस विच उसने कुछ फाइनेंसरां दे नाल लैके आत्महत्या करने लई मजबूर करन दे दोष लगा दिते। पहला देखो एह वीडियो। ओतरे जिम्मेवार दनेश ते दनेश दी भैन हो गई दनेश के लिए एल आई जी रहना है इन्होंने मैंने बहुत ब्लैकमेल किया बहुत परेशान किया इन्हें करके मैं मरन लगा वहाँ ओतरे जिम्मेवार इन्होंने भैन भरा होंगे। यह वीडियो वायरल करन तो बाद नौजवान ने पखे नाल लटक के आत्महत्या कर ली। मृतक नौजवान दे भरा ने कहा कि फाइनेंसरां दीआं धमकियां कारण ही उसके भरा ने यह कदम चुकिया। मामला सी कोई कमेटी दा लैण देण दा सी इन्हें जिन्हां तों लैणे सी ओह पै नहीं दे रहे सी जिन्हां ने लैणे सी तो बहुत दुखी करते सी इहनूं ते जे अपनी जान तों पहला सुसाइड नोट वीडियो बना गया बाकी इहदे नाल लिखा गया भरजाई को जे सुसाइड नोट विच नाल लिखा गया दिनेश दे उहदी सिस्टर दा ब्लैकमेल करते सी इहनूं बाकी पै पिछे भी करते होने कोई होर गल पिछे ये बहुत लोस होया पाया काफ़ी मगर फिर भी किसी ना फालतू गल नहीं इन्हें अपना मकान बेच के भी लोगों के पै दिते आ बाकी मेन टीना फाइनेंस के नाल आता सी वो बंदा उन्होंने सारा घर बार उन्होंने सब कुछ पता बाकी मेन बोल टीना फाइनेंस से दसूगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरमिंदर सिंह एलियस विंकल नाम का लड़का उम्र कोई 34 साल उम्र दस रहे की अज उन्होंने वाइफ बच्चा रोटी देने गई है पिछो उन्होंने सुसाइड कर लिया ताज़ातरीन खबरां लैके फिर हाजिर होवांगे उदों तक मैनूं दिओ इजाजत सति श्री अकाल। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।